हेलो एवरीवन, अ ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम पूजा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम 10th ऑफ जुलाई के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। आज हमें बहुत सारे इम्पॉर्टेंट पर्सन देखने हैं जो न्यूज़ में है, और वाकई में वो इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से आपको क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। याद कीजिए, जब राष्ट्रपति को सूरीनाम का नेशनल अवार्ड मिला था या हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला था, वो हर एक सेट में, ऑलमोस्ट हर एक एग्जाम में वो पूछा गया था। सिमिलर यहाँ पर भी हम एक ऐसे ही हाईएस्ट सिविलियन ऑनर के बारे में बात करने वाले हैं। एक नहीं, दो इम्पॉर्टेंट ऑनर्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन पहले हम देखेंगे, इसके बाद हम यहां पे आज एनवायरनमेंट से रिलेटेड या फिर आपके जो स्टैटिक पॉइंट्स होते हैं ना, कोई चीज न्यूज में, जैसे कि ब्लू लाइन न्यूज में है, माउंट एटना न्यूज में है, ठीक है, तो ऐसे हम कुछ बातें यहां पे डिस्कस करेंगे। फिर कर्नाटका गवर्नमेंट ने कुछ नया बिल पास किया है, उस पर हम डिस्कशन करेंगे विद एमसीक्यू। वीडियो के एंड में क्वेश्चन ऑफ द डे होगा, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके है जी, सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले पर्सन हमारे जो न्यूज में है उन पर हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन एक छोटा सा डे भी है। 10th ऑफ जुलाई को हम ग्लोबल एनर्जी इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। पर्पस इसका सिंपल सा फंडा है कि हमें जो फॉसिल फ्यूल पे हम बेस्ड है, जनरली हम क्या करते हैं, कोल एनर्जी का यूज करते हैं ना, तो हमें इसे कन्वर्ट करना है रिन्यूएबल एनर्जी में, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी में। इसलिए हम ग्लोबल एनर्जी इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं सिंस 2012 टू रेज अवेयरनेस ऑफ द वैल्यू ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। अब 2024 की थीम मुझे नहीं मिली, मैंने काफी सर्च किया, मैं आज फिर क्लास के बाद सर्च करूंगी और फिर वीकली करंट अफेयर्स में उसको इंट्रोड्यूस कर दूंगी, बिकॉज अभी मुझे यहाँ पे थीम नहीं मिली। मुझे 2023 की थीम जरूर मिली थी, एम्पावरिंग कम्युनिटीज ट्रांसफॉर्मिंग द वर्ल्ड। 2024 की जैसे ही मिलती, अगर आपको मिलती तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इसके अलावा आज ना निकोला टेस्ला का भी बर्थडे है। ओके, सो ग्लोबल एनर्जी इंडिपेंडेंस डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, पहली बार 2012 में सेलिब्रेट हुआ था। चलिए अब यहाँ पे बात कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी टू रिसीव रशियाज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर फॉर आउटस्टैंडिंग सर्विस। एक्चुअली ये अवार्ड ना 2019 में अनाउंस किया गया था, बट बिकॉज कोई ऐसी ऑफिशियल सेरेमनी नहीं हुई थी, तो फाइनली टू डेज के विजिट पे प्राइम मिनिस्टर गए हुए हैं रशिया, और वहां पर उनको ये अवार्ड दे दिया गया, ठीक है। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसीव रशिया हाईएस्ट सिविलियन ऑनर फ्रॉम द प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन फॉर द स्ट्रेंथनिंग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। दोनों की दोस्ती को दर्शाता है बेसिकली ये अवार्ड, और इस अवार्ड का नाम क्या है, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रियो द एपोस्टल, ये इस अवार्ड का नाम है। अच्छा, इस अवार्ड की शुरुआत 1698 में हुई थी, 1698, मतलब बहुत ही पुराना अवार्ड है, ठीक है। जार पीटर द ग्रेट ने इसकी शुरुआत की थी, और ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है रशिया का, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे डीप हिस्टोरिकल एंड कल्चर वैल्यू और रिलेशन शो करता है, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। इसके अलावा दोनों देशों ने मिलकर अपना जो ट्रेडिंग है उसको $100 बिलियन करने की बात की है बाय द 2030, कि हम अपने बायलेटरल ट्रेड को $100 बिलियन कर लेंगे बाय द 2030। ये बात रिसेंटली पीएम मोदी और प्रेसिडेंट ऑफ रशिया ने कही है, ठीक है। आप सभी को पता होना चाहिए कि पीएम मोदी थर्ड टाइम और प्रेसिडेंट पुतिन फिफ्थ टाइम प्रेसिडेंट यहां पर बने हैं। ओके है जी, चलिए अगला नाम आता है यहाँ पे गगन नारंग। डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा कि गगन नारंग जो कि रिसेंटली न्यूज में थे, वो किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है। तो शूटर है, शूटिंग से एसोसिएटेड है। रिसेंटली न्यूज में क्यों है, क्योंकि इन्हें शेफ दे मिशन पेरिस ओलंपिक के लिए बनाया गया, मतलब हेड ऑफ द मिशन, जो कि हमारा स्क्वाड जा रहा है पेरिस ओलंपिक में, तो पूरी टीम को साथ में लेके जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर शेफ दे मिशन कौन बनाए गए हैं, गगन नारंग। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन हैज अपॉइंटेड 2012 लंदन ओलंपिक्स ब्रॉन्ज मेडलिस्ट शूटर गगन नारंग एज अ शेफ दे मिशन, ठीक है। 2024 के पेरिस समर ओलंपिक के लिए इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, मैरी कॉम को। इन्होंने किसे रिप्लेस किया है, मैरी कॉम को इन्होंने रिप्लेस किया है, गगन नारंग। शूटर है, 2012 के लंदन ओलंपिक्स में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अब यहाँ पे दो और प्लेयर देखने को मिल रहा है, ये है पीवी सिंधु, बैडमिंटन प्लेयर है, और इनका नाम क्या है, शरत कमल, जो कि हमारे टेबल टेनिस प्लेयर है। डन, ये दोनों कौन है, फ्लैग बेयरर है, ठीक है, ध्वजवाहक आप बोल सकते हो। तो फ्लैग बेयरर फॉर द 2024 पेरिस ओलंपिक कौन है, आंसर हो जाएगा पीवी सिंधु एंड शरत कमल, ठीक है, डन। अच्छा, यहाँ पे एक और प्लेयर दिख रहे हैं जो कि आइस के साथ कुछ स्पोर्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व दिख रहे हैं, क्योंकि ये हमेशा विंटर ओलंपिक्स को में पार्टिसिपेट करते हैं, एंड 6 times इन्होंने विंटर ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करके मेडल जीता है। इनका नाम है शिवा, ठीक है, शिवा केसवन आपको देखने को मिलेंगे, और इन्हें
डिप्टी चीफ द मिशन बनाया गया है। तो डिप्टी चीफ द मिशन कौन बने हैं? शिवा बने हैं। और चीफ द मिशन कौन है? गगन नारंग है जो कि शूटर है। फ्लैग बेयरर कौन है? तो कमल शरद कमल, और आंसर हो जाएगा पीवी सिंधु। ठीक है, नेक्स्ट। अब कुछ और बातें करते हैं 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स पे। 2020 के जो टोक्यो समर ओलंपिक्स हुए थे उसमें आप देखोगे मैरी कॉम जो कि हमारी हॉकी प्लेयर रही हैं, और मनप्रीत सिंह, इन्हें इंडिया का फ्लैग बेयरर बनाया गया था। पहली बार पूर्णिमा बैनर्जी वॉज द फर्स्ट इंडियन टू कैरी द इंडियन फ्लैग एट द समर ओलंपिक एट द 1920 एंटवर्प ओलंपिक्स। ये जो 33rd नंबर के समर ओलंपिक्स होने हैं वो कहाँ होने हैं? पेरिस फ्रांस में होने हैं। 26th ऑफ जुलाई से लेकर 11th ऑफ अगस्त तक ये ओलंपिक्स चलने वाले हैं। ठीक है, पेरिस तीसरी बार समर ओलंपिक्स को होस्ट कर रहा है। इसके पहले 1900 में और 1924 में इसने समर ओलंपिक्स को होस्ट किया था। चार नए स्पोर्ट्स को इंट्रोड्यूस किया गया है पेरिस ओलंपिक में। वो चार नए खेल कौन से हैं? तो ब्रेकिंग, सर्फिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग एंड स्केट बोटिंग बोर्डिंग। ठीक है, ये आपको यहाँ पे चार नए गेम्स देखने को मिलेंगे इन द पेरिस ओलंपिक्स। डन। तो ये कुछ बातें हैं जो अपकमिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओलंपिक से ऐसा नहीं है कि आज के ओलंपिक, पुराने कभी भी ओलंपिक से कभी भी किसी ने भी कोई इंडियन ने अगर मेडल जीता है तो पूछ लिया जाता है। तो एटलीस्ट आपके पास एक छोटी सी लिस्ट होना तो बहुत जरूरी है कि जितने कब इंडिया ने ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया या कब हमने कौन सा मेडल जीता है, कभी भी कुछ भी पूछ लेता है। ठीक है, जैसे अभिनव बिंद्रा का नाम जब चाहे कोई भी पेपर में उठा के पूछ ही लिया जाता है। तो थोड़ा सा आप याद रखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स पर्सन के नाम। चलिए अब बात करते हैं फ्रांस के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड के बारे में। पहले हमने रशिया के बारे में बात की थी, नाउ बात करते हैं फ्रांस के बारे में। रिसेंटली फ्रांस में इलेक्शंस भी हुए हैं, राइट? तो रोशनी नडार ऑफ HCL टेक ऑनर्ड विद द फ्रांस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। यहाँ पे HCL टेक ऑपरेट कर रहा है फ्रांस में सिंस 2009। ठीक है, तो 2009 से HCL ऑलरेडी फ्रांस में काम कर रहा है, इसलिए इनको चेवलियर दे ला लीजन दी ऑनर या नाइट ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर अवार्ड दिया गया है, जो कि फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ठीक है, इस अवार्ड की शुरुआत किसने की थी? तो इस अवार्ड की शुरुआत की थी 1802 में, 1802 में नेपोलियन बोनापार्ट ने। ओके, द ऑर्डर ऑफ लीजन दी ऑनर इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कन्फर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस। द अवार्ड वॉज इंस्टीट्यूटेड बाय द नेपोलियन बोनापार्ट इन 1802। 2023 में अगर आप देखोगे तो 2023 में नरेंद्र मोदी जी को भी यही सिमिलर अवार्ड दिया गया था, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर अवार्ड 2023 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था। ऐसा नहीं, कई सारे लोग हैं, शाहरुख खान है आपके, इसके अलावा अगर आप देखोगे और भी कई सारे प्लेयर्स, आपको कई सारे पर्सन देखने को मिलेंगे जिनको ये अवार्ड दिया गया है। दुर्गा चरण रक्षित फर्स्ट इंडियन रहे हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है 1896 में। दुर्गा चरण रक्षित वॉज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द लीजन ऑफ द ऑनर अवार्ड, ही वॉज कन्फर्ड द अवार्ड इन 1896। ओके, तो ये हो गए हमारे अवार्ड्स। नाउ बात करते हैं उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दिया है फॉर द रीअपॉइंटमेंट ऑफ गोविंद सिंह। गोविंद सिंह की रीअपॉइंटमेंट हो रही है, ऑलरेडी ये एग्जिस्टिंग एमडी एंड सीईओ हैं उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड द रीअपॉइंटमेंट ऑफ गोविंद सिंह एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द स्मॉल फाइनेंस बैंक। और इनका जो नया टेन्योर है वो 21st of September 2024 से स्टार्ट होगा, क्योंकि ऑलरेडी जिस टेन्योर में वो काम कर रहे हैं वो वाला टेन्योर 20 सितंबर को खत्म होगा और 21 सितंबर से फिर दूसरा टेन्योर स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट बैंकिंग अपॉइंटमेंट्स हुई हैं जो हमने डेली करंट अफेयर्स में डिस्कस की हैं, जैसे कि इंतरिम एमडी एंड सीईओ ऑफ बंधन बैंक किसे बनाया गया है? तो रतन कुमार केस को बनाया गया है, कल हमने डिस्कस किया था। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई दो लोगों को बनाया गया है, एक है अर्णव कुमार चौधरी और दूसरी है चारुलता एस। फिर चेयरमैन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो 27 नंबर के अगर हम देखेंगे जो चेयरमैन है उनका नाम आ गया है यहाँ पे चाला श्रीनिवासल्लू सेट्टी, और ये रिप्लेस करेंगे दिनेश कुमार खारा को। ठीक है, चलिए अगले पर्सन के बारे में बात करते हैं, गौतम गंभीर जो कि हमारे फॉर्मर क्रिकेटर रहे हैं। रिसेंटली BCCI ने इन्हें हेड कोच बनाया है इंडिया मेन्स टीम का। ठीक है, जो टीम ब्लू है इंडिया की मेन्स टीम है, अपकमिंग इवेंट्स के लिए जैसे कि हम चैंपियनशिप ट्रॉफी में जाएंगे, हम नेक्स्ट वर्ल्ड कप में जाएंगे, अभी हम एक सीरीज करने वाले हैं श्रीलंका के साथ 2027 तक, 31st of December 2027 तक हमारे जो क्रिकेट टीम है मेंस क्रिकेट टीम उसके हेड कोच कौन रहने वाले हैं? गौतम गंभीर रहने वाले हैं। जुलाई मंथ से इनका टेन्योर स्टार्ट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट नाम आता है अविनाश सावले का।
अविनाश सावले ने नेशनल रिकॉर्ड बनाया है इन द 3000 मीटर स्टेपल चेस इवेंट में, और इन्होंने 8 मिनट एंड 9 सेकेंड्स अप्रॉक्सीमेटली एंड 91/100 ऑफ द सेकेंड में इन्होंने इस रेसिंग को कंप्लीट की, और ये 6th पोजीशन पे आए हैं रिसेंटली। कहाँ पर? आंसर हो जाएगा पेरिस डायमंड लीग। पेरिस डायमंड लीग कहाँ हो रही थी? फ्रांस में हो रही थी, जिसमें अविनाश सावले ने पार्टिसिपेट किया था 3000 मीटर स्टेपल चेस में, और ये 6th पोजीशन पे आए हैं। टॉपर कौन रहा है, मतलब किसने इस इवेंट को जीता है? आंसर हो जाएगा इब्राहिम सिमे। ठीक है, इनकी रैंकिंग 1 है और इन्होंने इस रेसिंग को 8 मिनट 2 सेकंड में कंप्लीट किया था, और इन्होंने 8 मिनट 9 सेकंड में कंप्लीट किया है। ठीक है, नेक्स्ट है एक्स सीजेआई यूयो ललित टू हेड द कमिटी ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर इन बंगाल। अब यहाँ पे वेस्ट बंगाल में काफी लंबे समय से एक डिस्प्यूट चल रहा है कि जो यूनिवर्सिटी है बंगाल की, उसके वाइस चांसलर कौन होंगे। जनरली वाइस चांसलर गवर्नर को बना दिया जाता है, लेकिन वहां पे ममता बनर्जी और गवर्नर की थोड़ी सी बनती नहीं है, तो काफी लंबे समय से डिस्प्यूट चल रहा है। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है, और उस कमेटी को हेड कर रहा है कौन? यूयो ललित। सुप्रीम कोर्ट हैज अपॉइंटेड द फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उदय उमेश ललित एज द चेयरमैन ऑफ द सर्च एंड सिलेक्शन कमेटी फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द वाइस चांसलर इन ऑल द स्टेट रन यूनिवर्सिटी ऑफ द वेस्ट बंगाल। ओके, बस हम इतने जानना है, हमको इनके मैटर से मतलब नहीं है, नहीं पूछेगा कोई एग्जामिनर आपको एसएससी में, नहीं पूछ रहा है कि भाई बताओ इनका मैटर क्या है। ठीक है, हमको बस इतना याद रखना है कि हेड कमेटी बनाई गई है, जिसके हेड कौन है। लास्ट पर्सन जो आज न्यूज़ में है, उनका नाम है गजेंद्र सिंह खालसा। दल खालसा के फाउंडर गजेंद्र सिंह खालसा पास्ड अवे इन पाकिस्तान, और ये वही पर्सन है जिन्होंने 1981 में इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट को हाईजैक किया था, और कहा था जो खालिस्तानी पर्सन्स हैं आपने अरेस्ट करके रखा है उनको आप रिलीज करो, जिनमें एक नाम आपको जारनेल सिंह भिंडरवाला का देखने को मिलता है। और इन्होंने ही क्या किया था, प्लेन को हाईजैक करने का काम किया था अपनी टीम के साथ मिलकर, जिसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने दल खालसा को बैन कर दिया था 1982 में, और 1981 में हाईजैकिंग की गई थी इनके द्वारा। ठीक है, डन। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन जो न्यूज में थे। चलिए अब आगे की बात है करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है अबाउट द पीडीएफ। सो आप इजीली करेंट अफेयर्स की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम से, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। ठीक है, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर सिंपली आप सर्च कर सकते हैं पूजा जैन CA247। डन इतनी चीजें, ओके। और आज ना एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है मॉडर्न हिस्ट्री का। मैं कोशिश करूंगी कि आपकी मॉडर्न हिस्ट्री वाइंड अप हो जाए, क्योंकि ऑलमोस्ट हम गांधी एरा तक तो पहुंच ही गए हैं। यहाँ पर आज जो वीडियो आने वाला है उसमें हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन और इसके पहले जो भी पॉलिटिकल पार्टी, कई सारी पॉलिटिकल पार्टी जैसे कि पूना स्वराज सभा हो गई, इसके अलावा आप अगर देखोगे तो बॉम्बे एसोसिएशन, मद्रास एसोसिएशन, तो कई सारी ऑर्गेनाइजेशन या पॉलिटिकल पार्टीज का फॉर्मेशन हुआ था INC के पहले, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं, क्योंकि मैं आपको PYQ के साथ उस टॉपिक को कराने वाली हूँ। ठीक है, और UPSC के क्वेश्चंस को भी उसमें मैंने इंक्लूड किया है, तो आज आपको ये वाला वीडियो देखने को मिलने वाला है INC का फॉर्मेशन और INC के पहले कौन सी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन काम कर रहे थे। ठीक है, और किस तरीके से वो धीरे धीरे INC में मर्ज हो गए, वो सारी बातें आज हम करने वाले हैं। ओके है जी, चलो नेक्स्ट बात करते हैं क्वाड के बारे में। सो क्वाड मतलब चार देशों का संगठन है, जिसमें आपको USA देखने को मिलता है, USA के बाद जापान है, इंडिया है और ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, अब यहाँ पे इनके बीच में एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है मालाबार। तो मालाबार नेबल एक्सरसाइज, कौन सा एडिशन, यहाँ पर आप देखोगे 28th एडिशन ऑफ मालाबार एक्सरसाइज, इसको होस्ट कर रहा है कौन? इंडिया। ठीक है, इसको होस्ट करने वाला है कौन? इंडिया, बे ऑफ बंगाल में। तो इंडिया विल होस्ट द प्रेस्टिजियस मालाबार नेवल एक्सरसाइज अलोंग साइड द USA, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया इन द बे ऑफ बंगाल इन अक्टूबर 2024। 2024 अक्टूबर में इंडिया होस्ट करेगा, और ये 28th नंबर का एडिशन है, और इसमें एडवांस एंटी सबमरीन वॉरफेयर को शामिल किया गया है, बिकॉज लगातार साउथ चाइना सी में जो टेंशन क्रिएट हो रही है, इसलिए इस मालाबार एक्सरसाइज को बे ऑफ बंगाल में किया जा रहा है। अगर हम मालाबार एक्सरसाइज की कहानी को समझें, तो मालाबार एक्सरसाइज ना 1992 में स्टार्ट हुई थी, लेकिन ये USA और इंडिया के बीच में होती थी। द एडिशन मार्क द 30th एनिवर्सरी ऑफ मालाबार एक्सरसाइज द बिगिन बिटवीन द इंडिया एंड USA इन 1992। फिर 2015 में क्या हुआ, 2015 में जापान ने भी मालाबार एक्सरसाइज को ज्वाइन कर लिया, और 2020 में ऑस्ट्रेलिया ने भी मालाबार एक्सरसाइज को ज्वाइन कर लिया। तो ये जो नेबल एक्सरसाइज है अभी चार देशों के बीच में होने लगी है, पर स्टार्टिंग में ये इंडिया और USA के बीच में आपको देखने को मिलेगी।
अब रिसेंटली कुछ और इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज हुई हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। मैंने एक 6 मंथली कंपाइलेशन भी किया था जिसमें जनवरी मंथ से लेकर जून मंथ तक की सभी इम्पॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज को कवर किया एक सिंगल वीडियो में, आप उसे देख सकते हैं अपकमिंग एग्जाम के लिए। सो 16th एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट। नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज जो है वो इंडिया और मंगोलिया के बीच में होती है। कहाँ पर हुई? मेघालय में। फिर 13th एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मैत्री। सो मैत्री एक्सरसाइज इंडिया एंड थाईलैंड के बीच में होती है, जो कि थाईलैंड में कंडक्ट हुई थी। फिर 29th एडिशन ऑफ रिमपैक नेवल एक्सरसाइज जो कि यूएसए में हवाई आइलैंड में हुई। फर्स्ट एडिशन ऑफ तरंग शक्ति अगस्त के महीने में होगी। और 8th एडिशन ऑफ जिमेक्स एक्सरसाइज जो कि जापान और इंडिया के बीच में होती है, जापान में कंडक्ट हुई। ये रिसेंटली आपकी एक्सरसाइज है जो न्यूज में आपको देखने को मिली है। नेक्स्ट है घर घर सोलर। ये जो नया इनिशिएटिव है ये टाटा पावर ने लॉन्च किया है इन उत्तर प्रदेश। ओके, सो टाटा पावर लॉन्च घर घर सोलर इनिशिएटिव इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भी कहां से? वाराणसी से इसकी शुरुआत की गई है। इसका मकसद क्या है? हर एक घर के ऊपर रूफ टॉप सोलर पैनल को इंस्टॉल करना, जिससे सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस किया जा सके, मतलब क्लीन एनर्जी हमें प्रोड्यूस करनी है। ठीक है, रेसिडेंट कैन अवेल अ मैक्सिमम सब्सिडी ऑफ अप टू 1 लाख रुपीज ऑन द रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन कंबाइनिंग सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी। यहाँ पे जो रूफ टॉप सोलर पैनल इंस्टॉल किए जाएंगे उसमें वो 3 किलोवाट के सोलर रूफटॉप को इंस्टॉल किया जाएगा, जो कि 27,000 एनुअली रेसिडेंट्स के बिजली के बिल को, इलेक्ट्रिसिटी बिल को बचाने का काम करेगा। इसका पर्पस क्या है कि डेली 12 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना। ये जो 3 किलोवाट का सोलर पावर इंस्टॉल करेंगे ना हम रूफटॉप पे, छत पर, तो वो 12 यूनिट पर डे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेगा। तो टाटा पावर ने इसकी स्टार्टिंग की है घर घर सोलर इनिशिएटिव इन उत्तर प्रदेश। ओके है, चलिए अब यहाँ पे जैसे ही हमारे देश में मॉनसून आता है तो मॉनसून में सबसे पहले क्या होता है? फ्लड आना शुरू हो जाती है। हमारे यहाँ पे भले बारिश कितनी भी हुई हो, फ्लड जरूर आ जाता है। और उसके बाद जो भी कंस्ट्रक्शन है, ब्रिज है, वो तो कोलैप्स होना निश्चित है। मतलब जनरली आप देखो कोई भी जो ब्रिज कंस्ट्रक्ट किया जाता है उसकी लाइफ 50 to 100 years होती है, बट हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे कंट्री में 2.5 साल, 2 साल, 10 साल, 15 साल में ही कोलैप्स कर जाते हैं हमारे ब्रिजेस। ठीक है, चलो हम बात कर रहे हैं इसके बारे में, जिसका नाम है गंडकी रिवर, जिसको हम गंडक रिवर के नाम से भी जानते हैं। राइट, आप देख सकते हैं एक पिक्चर दिख रही है जिसमें ये आपको ब्रिज कोलैप्स होता हुआ दिखाई दे रहा है। 15-year-old ब्रिज ओवर द गंडकी रिवर कोलैप्स्ड इन द बिहार सारण डिस्ट्रिक्ट रिसेंटली। ठीक है, और ये थर्ड ब्रिज कोलैप्स हुआ है इन द डिस्ट्रिक्ट विथिन 24 आवर्स, 24 घंटे में तीसरा ब्रिज कोलैप्स हो गया। अगर हम गंडकी रिवर के बारे में बात करें तो इसको हम गंडक रिवर या नारायणी रिवर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और ये रिवर आप देखो ये नेपाल से चली आ रही है और इंडिया में आती है, नेपाल से चली आ रही है इंडिया में, बिहार और उत्तर प्रदेश में आपको ये रिवर देखने को मिल जाएगी। इसका अलग नाम नारायणी रिवर है। ठीक है, बेसिकली काली और त्रिशूली रिवर के यूनियन के बाद इसे हम नारायणी रिवर के नाम से जानते हैं और गंगा नदी में आके मिल जाती है। तो गंगा नदी की ये लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है, लेफ्ट सहायक नदी आपको गंडकी या गंडक रिवर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे तो वाल्मीकि नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व, यहाँ पर आपको वाल्मीकि टाइगर रिजर्व देखने को मिल जाएगा जो कि बैंक ऑफ द रिवर पे सिचुएटेड है। तो किस नदी पर वाल्मीकि नेशनल पार्क है? तो आंसर हो जाएगा गंडकी रिवर या नारायणी रिवर या गंडक रिवर। तो इसको आपको याद रखना, ये आपके कुछ स्टैटिक पॉइंट्स हो गए। नाउ बात करते हैं द पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर। अब ये क्या पिक्चर है भाई, इसको पहले समझ लेते हैं उसके बाद कहानी समझेंगे। देखेंगे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 कब एक्ट पास हुआ था? 2002 में। कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली एक्ट से पूछे गए हैं, आपको भी पता है एनवायरनमेंट के क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। सो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 मैंडेट डेवलपमेंट ऑफ पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर एट द लोकल लेवल टू डॉक्यूमेंट एज वेल एज सेफ गार्ड बायो रिसोर्सेज एंड एसोसिएटेड नॉलेज। तो सिंपल सी बात है, बायोडाइवर्सिटी या फिर आपका पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर क्या होता है? लोकल कम्युनिटी के साथ मिलकर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक डेटाबेस को रेडी करता है, वहाँ के लोगों के पास जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, जो रिसोर्सेज है उनको मेंशन करता है, वहाँ की जो फ्लोरा फाउना या बायोडाइवर्सिटी है उसको यहाँ पे क्या करता है? रजिस्टर करता है। तो ये सारा काम यहाँ पे किया जाता है। तो इट्स सर्व एज अ कॉम्प्रिहेंसिव रिकॉर्ड
ऑफ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, जिसमें आपके हैबिटेट का कंजर्वेशन, इसके अलावा आपका जो डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हैं, डिफरेंट टाइप की ब्रीड्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और लोगों का जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, वो सारी चीज़ें स्टोर की जाती हैं। अभी हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है तजाखारा हैज बिकम द फर्स्ट ग्राम पंचायत इन द अलपुजा डिस्ट्रिक्ट एंड वन ऑफ द फर्स्ट इन द केरला टू अपडेट एंड पब्लिश अ कॉम्प्रिहेंसिव पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लोकल कम्युनिटी। इसलिए हम इसको न्यूज में देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे केरला पहला स्टेट बन गया है जहाँ के लोगों ने मिलकर एक बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर को रेडी किया है फॉर ईच लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडी विद द हेल्प ऑफ लोकल पीपल। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कौन सी ग्राम पंचायत है, आंसर हो जाएगा तजाखारा ग्राम पंचायत इन द अलपुजा डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। डन इतनी चीजें, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे बात हो रही है गगनयान के बारे में। टू गगनयान एस्ट्रोनॉट टू गो टू द ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अब्रॉड द एक्सोम 4 मिशन। तो एक्सोम 4 मिशन से हमारे देश के एक एस्ट्रोनॉट जाएगा, दो को अभी शॉर्टलिस्ट किया गया है। ओके, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैज शॉर्टलिस्टेड टू ऑफ इट्स 4 ट्रेंड गगनयान एस्ट्रोनॉट फॉर द एक्सोम 4 मिशन टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इन द कोलेब्रेशन विद USA नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको हम नासा के नाम से जानते हैं। ओनली वन ऑफ द शॉर्टलिस्टेड एस्ट्रोनॉट विल गो टू द मिशन। अभी यहाँ पे अंडर द एक्सोम मिशन इनको USA में नासा में ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी और उसके बाद ये ISS में जाएंगे। NASA and Exum Space, an American privately funded space infrastructure developer, signed an order for 4th private astronaut mission to the ISS. ये चौथे नंबर का मिशन है, इसलिए इसका नाम Exum 4 रखा गया है। ठीक है, प्राइवेट कंपनीज को तैयार करती है और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एस्ट्रोनॉट को भेजा जाता है। प्लानिंग की गई है अक्टूबर 2024 में इनको भेजा जाएगा। कैनेडी स्पेस सेंटर इन फ्लोरिडा से इसकी लॉन्चिंग की जाएगी और 14 डेज के ड्यूरेशन के लिए ये ISS मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में स्टे करने वाले हैं। फिलहाल तो SpaceX नासा मिलके क्या करेंगे, इंडियन एस्ट्रोनॉट को ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे कि किस तरीके से आपको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को ऑपरेट करना है। ठीक है, डन। नेक्स्ट है 11 न्यू बायोस्फीयर रिजर्व एडेड टू द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, रिसेंटली 11 न्यू बायोस्फीयर रिजर्व को एड ऑन किया है और पूरे वर्ल्ड में मतलब 136 कंट्रीज में टोटल नंबर ऑफ बायो रिजर्व साइट्स कितनी हो गई है, तो आंसर हो जाएगा 759 साइट्स। ठीक है, तो 759 साइट्स आपको वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में देखने को मिलेंगी। अभी हम इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, पहले न्यूज़ को कवर कर लेते हैं। ठीक है, ये है 18 बायोस्फीयर रिजर्व जो कि इंडिया में है। ठीक है, ये 18 बायोस्फीयर रिजर्व है जो इंडिया में, इनको एक एक करके हम पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये जो 11 नए बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए हैं वो कोलंबिया, डोमिनिकन रिपब्लिक, गाम्बिया, इटली, मंगोलिया, फिलीपींस, साउथ कोरिया और स्पेन में बनाए गए हैं। यहाँ पर पहली बार लिस्ट में दो ट्रांस बाउंड्री रिजर्व को इंक्लूड किया है। ट्रांस बाउंड्री रिजर्व मतलब दो देशों के बीच की बॉर्डर एरिया पे आपको ये रिजर्व देखने को मिलेंगे। तो दो ट्रांस बाउंड्री रिजर्व को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है जो कि बेल्जियम और नीदरलैंड के बीच में है पहला, दूसरा इटली एंड स्लोवेनिया के बीच में आपको मिल जाएगा। तो हम 11 के नाम याद नहीं करेंगे, हम केवल इन्हीं दोनों ट्रांस बॉर्डर जो है रिजर्व उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो कैंपेन ब्रियोक ट्रांस बाउंड्री बायोस्फीयर रिजर्व जो कि बेल्जियम और नीदरलैंड के बीच में है, जूलियन आल्प्स ट्रांस बाउंड्री बायोस्फीयर रिजर्व जो कि इटली और स्लोवेनिया के बीच में है। अगर किसी को बहुत इंटरेस्ट है तो यहाँ पे लिस्ट दे दी गई है, आप 11 के 11 याद कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टाइम वेस्ट है। ठीक है, हाँ, पहली बार गाम्बिया में बायोस्फीयर रिजर्व को लाया गया है, मतलब पहली बार यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व का नाम आया है गाम्बिया में। तो गाम्बिया का आप देख सकते हो कि न्यूमी बायोस्फीयर रिजर्व है। बाकी आप ट्रांस बॉर्डर वाले देख लो, ये बेल्जियम और नीदरलैंड वाला और इटली और स्लोवेनिया वाला। ठीक है, टोटल कितने इंक्लूड किए गए हैं, 11 किए गए हैं और टोटल नंबर ऑफ साइट्स कितनी हो गई हैं, 759 हो गई हैं। चलो बात करते हैं इंडिया के रिस्पेक्ट में, जहाँ से हमें मतलब होना चाहिए। इंडिया में आपको टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व साइट्स देखने को मिलती हैं। ऊपर से नीचे चले, ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ, ये है आपका हिमाचल प्रदेश जिसमें आपको कोल डेजर्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है उत्तराखंड जिसमें आपको नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिलता है। हमारे देश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, नीलगिरी। सो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व आपको यहाँ पर कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, तीन राज्यों में फैला हुआ है।
ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे कच्छ, कच्छ इन गुजरात, पचमढ़ी इन मध्य प्रदेश एंड पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व ऑल्सो इन मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में हो गए दो, ठीक है, आपका पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व पचमढ़ी और आपका यहाँ पे अमरकंटक। अमरकंटक वाला जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश की बॉर्डर एरिया पे आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है अगस्ता मलाई तमिलनाडु एंड केरला, गल्फ ऑफ मन्नार इन तमिलनाडु, ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सेशमचलम आंध्र प्रदेश, सिमलीपाल इन ओडिशा, सुंदरवन इन वेस्ट बंगाल, अंडमान एंड निकोबार अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, नोकरेक तो नोकरेक मेघालय में मिल जाता है, दिहांग दिवांग अरुणाचल प्रदेश में सिचुएटेड है, मानस, मानस कहाँ पे आसाम में, डिब्रू सिखोबा ये भी आपको आसाम में मिल जाएगा, और कंचनजंगा इज इन सिक्किम। तो ये आपके पूरे के पूरे बायोस्फीयर रिजर्व है 18, ठीक है, 18 बायोस्फीयर रिजर्व आपको मिल जाएंगे। इजी नाम है, कई बार आपने सुने हैं तो याद रखने में कोई परेशानी यहाँ पर होगी नहीं, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड द बायोस्फीयर रिजर्व स्कीम इन 1986, 1986 में इस स्कीम की शुरुआत की गई थी। अगर इसमें हम फाइनेंशियल असिस्टेंट के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, सो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और हिमालयन राज्यों के बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें जो आपका परसेंटेज होता है फाइनेंशियल सपोर्ट का वो 90:10 का रेशियो होता है। 90% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, 10% पैसा स्टेट गवर्नमेंट देती है, ठीक है। अगर हम अदर नॉर्मल स्टेट्स के बारे में बात करते हैं तो 60:40 का रेशियो होता है, 60% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट का और 40% पैसा स्टेट गवर्नमेंट का होता है फॉर द मेंटेनेंस इंप्रूवमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, द स्कीम इज इंप्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो आज का पहला क्वेश्चन, ये मिनिस्ट्री किसको दी गई है, इसके मिनिस्टर कौन है, ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन है। नहीं पता तो एक कैबिनेट पोर्टफोलियो मोदी 3.0 पे मैंने वीडियो बनाया था विथ ट्रिक्स, आप उसको देखो और इसका आंसर करो। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये पोर्टफोलियो किसको दिया गया है। तो इंडिया के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे थे तो आप देख सकते हैं कि इंडिया में 18 नोटिफाइड बायोस्फीयर रिजर्व है, लेकिन यूनेस्को के MAB मतलब मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में केवल 12 बायोस्फीयर रिजर्व को रिकॉग्नाइज किया गया है। यूनेस्को का ये जो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है ये 1971 में स्टार्ट हुआ था, 1971 में। अब अच्छे से देखो यहां पर जो मैप मैंने बताया था, कुछ कुछ मैप्स मतलब कुछ कुछ पॉइंट्स में आपको स्टार देखने को मिल रहे हैं। देखिए स्टार, वो स्टार वाले रिकॉग्नाइज है बाय द यूनेस्को, ठीक है। टोटल 18 में से जो 12 है वो रिकॉग्नाइज है बाय द यूनेस्को, जहां पर आपको स्टार देखने को मिल रहा है इन दिस मैप, डन। नेक्स्ट है बजिंगम पोर्ट केरला, ओके, क्यों है न्यूज में जरा देख लेते हैं। बजिंगम पोर्ट इज ऑल सेट टू रिसीव फर्स्ट मदर शिप, 12 जुलाई को यहां पर पहली शिप आने वाली है बजिंगम पोर्ट में, जो कि आपको तिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में देखने को मिल जाएगा। द अडानी ग्रुप्स बजिंगम पोर्ट इज नाउ रेडी टू रिसीव इट्स फर्स्ट मदर शिप। अडानी ग्रुप ने इसको PPP मॉडल पर रेडी किया है और इंडिया का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट क्या होता है, जब छोटी छोटी कार्गोज से मतलब छोटी छोटी शिप से एक बड़ी शिप में ट्रांसफर किया जाता है सामान को और डेस्टिनेशन में पहुंचाया जाता है, इस तरीके से ट्रांसशिपमेंट पोर्ट काम करते हैं। सबसे बड़ा आपको सिंगापुर और चाइना वगैरह में देखने को मिलेगा। तो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स आर ट्रांजिट हब वेयर द कार्गो फ्रॉम वन शिप इज ट्रांसफर टू द अनदर ऑन द वे टू इट्स फाइनल डेस्टिनेशन। एक ठीक है, एक शिप से दूसरी शिप में हम कार्गोस को ट्रांसफर कर रहे हैं। नाउ बात करते हैं अबाउट द ब्लू लाइन, रिसेंटली इट इज इन न्यूज। अब ब्लू लाइन क्या है, रिसेंटली यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि लगातार टेंशन बढ़ते जा रही है लेबनान और इसराइल की ब्लू लाइन फ्रंटियर पे। एज सच अगर ब्लू लाइन के अलावा और कोई ऑफिशियल बॉर्डर नहीं है इसराइल और लेबनान के बीच में, आप देख सकते हैं ये है लेबनान जिसकी कैपिटल बेरूत है और यहां पर आपको ये इसराइल देखने को मिल रहा है, ये पूरा इसराइल का एरिया आपको मिल जाएगा, जेरूसलम इसकी कैपिटल है और यहां पर ये जो एरिया है, ये जो एरिया है ये आपका डिस्प्यूटेड ब्लू लाइन एरिया कहलाता है, सिंपल सी बात है। इसको यूनाइटेड नेशन ने 2000 में इसको सेट किया था, ठीक है, जो कि मेडिटेरियन सी से लेकर यहाँ मेडिटेरियन सी से लेकर ये गोल्डन हाइट तक, गोल्डन हाइट अगेन आपको पता डिस्प्यूटेड साइट थी काफी लंबे समय तक, तो यहाँ पे मेडिटेरियन सी से गोल्डन हाइट तक ये जो बॉर्डर एरिया है इसको ही हम ब्लू लाइन के नाम से जानते हैं। तो आपको बस इतना याद रखना है कि लेबनान और इसराइल के बीच में ब्लू लाइन है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे डेनमार्क क्या कहता है, तो डेनमार्क ने ना इंडिया के अश्वगंधा को बैन कर दिया है, बताओ भला। So Denmark's Ashwagandha ban based on the report that lacks scientific rigor
क्लेम्स आयुष मिनिस्ट्री। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने रिसेंटली एक्सप्रेस किया है कि सीरियस कंसर्न ओवर अ मे 2020 रिपोर्ट बाय द टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ डेनमार्क बेस्ड ऑन विच डेनमार्क हैज बैंड अश्वगंधा। अश्वगंधा को बैन कर दिया गया है। अश्वगंधा का इस्तेमाल बेसिकली अगर इम्यूनिटी बूस्टर के लिए, सेक्स हार्मोन को डेवलप करने के लिए या इसके अलावा थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करने के लिए, तो थायराइड ग्लैंड वगैरह सबके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। मतलब आज से नहीं, सदियों से हम अश्वगंधा का इस्तेमाल आयुर्वेदा में कर रहे हैं। ठीक है, अश्वगंधा को अगर हम साइंटिफिक नेम देखते हैं तो इसको हम सोमनीफेरा कहते हैं। क्या कहते हैं? सोमनीफेरा के नाम से जानते हैं। और वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ अश्वगंधा कौन है? आंसर हो जाएगा इंडिया है, अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। हमारा जो एनुअल प्रोडक्शन है अश्वगंधा का, वो 4000 टन आपको देखने को मिल जाएगा, 4000 टन्स ऑफ रूट्स। ओके, इसे विंटर चेरी के नाम से भी जाना जाता है, विंटर चेरी के नाम से भी अश्वगंधा को जाना जाता है। मेडिसिन में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। नाउ बात करते हैं अबाउट द माउंट एटना। तो इटली में आप देखो, यहाँ पे मेडिटेरियन सी में एक आइलैंड दिख रहा है, माउंट एटना इन सिसली। यहाँ पर बेसिकली वॉल्केनो इरप्शन हुआ है, जिसके बाद कंसर्न रेज हो गया है, और हमेशा होता ही रहता है, एक एक्टिव वॉल्केनो है, सिंपल सी बात है। ठीक है, सो रिसेंटली इटलीज माउंट एटना एंड स्मॉलर स्ट्रॉन्ग वॉली वॉल्केनो, यहाँ पर थोड़ा सा इरप्शन देखा गया है, जिसके बाद कंसर्न रेज किया है। माउंट एटना आपको यूरोप का एक एक्टिव वॉल्केनो देखने को मिलेगा एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, जिसका लोकेशन कहाँ है आप देख सकते हैं, सिसली में आपको ये देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है सोशल सिक्योरिटी फॉर गिग वर्कर्स। तो यहाँ पे ये जो आपके गिग वर्कर्स होते हैं, जो कि मतलब कोई टेम्पररी बेसिस पे किसी एग्रीगेटर से जुड़ के काम करते, जैसे कि डिलीवरी बॉय वगैरह होगा, ये आपके गिग वर्कर्स कहलाते हैं। तो कर्नाटका बिकम द सेकेंड स्टेट आफ्टर राजस्थान। तो राजस्थान के बाद कर्नाटका सेकेंड नंबर का राज्य बना है जिन्होंने गिग वर्कर्स के लिए बिल पास किया है कि किस तरीके से हम इनके वेलफेयर के लिए काम कर सकते हैं। ठीक है, तो थ्रू अ ड्राफ्ट वर्जन ऑफ द लॉ, कर्नाटका प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर विल, द कर्नाटका गवर्नमेंट एम टू रेगुलेट द सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर ऑफ द गिग वर्कर्स। इनको भी सोशल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, इनको भी स्कीम्स का फायदा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी एग्रीगेटर इनको कभी भी निकाल दे, प्रॉपर सैलरी होनी चाहिए टाइम पर, ये सारी चीज़ें होना ज़रूरी है। ठीक है, और एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलना भी ज़रूरी है काम करने के लिए, तो इसलिए इस बिल को ड्राफ्ट किया गया है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट ने इसके अंदर आपको एक बोर्ड क्रिएट करने की बात की गई है, वेलफेयर फंड को सेटअप किया जाएगा, और ग्रीवेंस सेल आपकी जो भी शिकायतें हैं उनको रेगुलेट करने के लिए भी एक सेल तैयार की जाएगी अंडर दिस बिल। अगर हम कुछ हाईलाइट्स देखते हैं इस बिल के बारे में, तो सबसे पहला है क्रिएशन ऑफ वेलफेयर बोर्ड। सो बोर्ड कंप्राइजिंग ऑफ कर्नाटका लेबर मिनिस्टर, टू एग्रीगेटर ऑफिसर्स, टू गिग वर्कर्स एंड द वन सिविल सोसाइटी मेंबर टू बी फॉर्म्ड। तो यहाँ पे ये सारे मेंबर्स आपको वेलफेयर बोर्ड में देखने को मिलेंगे, जो कि गिग वर्कर के वेलफेयर करने का काम करेंगे। ठीक है, इसके अलावा क्या बोला गया है, नेक्स्ट बात की गई है द ड्राफ्ट मैंडेट एग्रीगेटर टू मेक पेमेंट एटलीस्ट एवरी वीक। है ना, हर हफ्ते गिग वर्कर को पेमेंट की जाए, और अगर पेमेंट लेट हो रही है या पेमेंट में कोई डिडक्शन हो रहा है तो गिग वर्कर्स को इन्फॉर्म किया जाए, ये बात यहाँ पे कही गई है। इसके अलावा हर एक गिग वर्कर को यहाँ पे कैन अप्लाई टू रिसीव अ यूनिक आईडी। तो अपने यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो एक यूनिक आईडी के लिए, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो ऑन द बोर्ड, जिससे आपका एक रजिस्टर्ड डेटाबेस रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, द बिल एम टू प्रोवाइड ग्रेटर ऑटोनॉमी टू द गिग वर्कर टू टर्मिनेट कॉन्ट्रैक्ट एंड रजिस्ट बींग ओवर द वर्क बाय द एम्प्लॉयर। एग्रीगेटर को आप यहाँ पे, एग्रीगेटर किसी भी गिग वर्कर को ऐसे टर्मिनेट नहीं कर सकता, आपको 14 डेज का नोटिस पीरियड देना पड़ेगा वर्कर को। ठीक है, ये बात यहाँ पे बोली है, और आपको सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये इंस्ट्रक्शन एग्रीगेटर्स को है, जो जॉब प्रोवाइडर होते हैं उनके लिए है। ठीक है, बेसिक पेनाल्टी यहाँ पे 5000 रुपीज से लेकर अप टू 1 लाख रुपीज तक की पेनाल्टी इम्पोज की जाएगी, अगर बिल्स के टर्म्स एंड कंडीशन को कोई भी एग्रीगेटर ब्रीच करता है। ठीक है, तो गिग वर्कर्स क्या है, एज पर द कोड ऑन द सोशल सिक्योरिटी 2020, अ पर्सन हु वर्क टेम्पररी जॉब्स टिपिकली इन द सर्विस सेक्टर एज एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर और द फ्रीलांसर, इनको हम गिग वर्कर्स कहते हैं। ठीक है, जब कर्नाटका गवर्नमेंट की बात हो रही है, तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव मुझे लगता है कि ये कर्नाटका गवर्नमेंट ने शुरू किया है, जिसका नाम है नाबू मनुजारू प्रोग्राम। ठीक है, तो कर्नाटका गवर्नमेंट ने रिसेंटली नाबू मनुजारू प्रोग्राम स्कूल में लॉन्च किया है। इसमें क्या बात कही गई है, यार जो स्टूडेंट है ना, उनको हमारे नेशनल फेस्टिवल के बारे में, हमारे आर्ट कल्चर के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में, इसके अलावा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए, तो हम यहाँ पे स्कूल में इनकी क्लासेस भी लगवाएंगे। इट इज़ ऑर्डर टू बिगिन फ्रॉम द करेंट एकेडमिक ईयर अक्रॉस ऑल द गवर्नमेंट स्कूल्स
चाहे उसमें प्राइमरी स्कूल हो, हाई स्कूल हो, सभी के लिए ये ऑर्डर आया है. इट इन्वॉल्व 2 आवर ऑफ अ वीकली डिस्कशन. तो यहाँ पे 2 घंटे वीक में डिस्कशन होगा, जहाँ पे सोशल हार्मोनी, सिग्निफिकेंस ऑफ द लोकल एंड नेशनल फेस्टिवल्स, फॉक गेम्स, स्पोर्ट्स और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे न्यूक्लियर फैमिली का पर डिस्कशन हो गया, इक्वलिटी, लिबर्टी, इन सब मुद्दों पे डिस्कशन बच्चों के साथ किया जाएगा. एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल नोडल ऑफिसर अपॉइंटेड टू ओवरसीज इम्प्लीमेंटेशन एंड प्रोवाइड गाइडेंस. तो एक यहाँ पे नोडल ऑफिसर को भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपॉइंट किया जाएगा. डन. तो ये थे आज के हमारे इम्पॉर्टेंट करेंट पर अफेयर्स. नाउ बात करते हैं सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे. पहला क्वेश्चन है, इंडिया विल होस्ट द विच एडिशन ऑफ प्रेस्टिजियस मालाबार नेवल एक्सरसाइज अलॉन्ग साइड विथ USA, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया इन द बे ऑफ बंगाल इन अक्टूबर 2024. सो आंसर हो जाएगा कि 28th एडिशन मालाबार एक्सरसाइज का इंडिया होस्ट करने जा रहा है अक्टूबर मंथ में. नेक्स्ट बात करते हैं, अब ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, चीफ दे मिशन कौन बनाया गया है. तो चीफ दे मिशन आपको देखने को मिल जाएंगे गगन नारंग, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट है, इंडियाज 2-टाइम ओलंपियन विनेश फोगाट हैज वॉन द गोल्ड मेडल इन द वीमेन्स ब्लैंक कैटेगरी इन द ग्रैंड प्रिक्स ऑफ द स्पेन. तो यहाँ पे इन्होंने 50 kg कैटेगरी में मेडल हासिल किया है, गोल्ड मेडल. चलिए बात करते हैं, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने रिसेंटली कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र को डिस्ट्रीब्यूट किया है. कितने कीर्ति चक्र और कितने शौर्य चक्र डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, आंसर हो जाएगा 10 and 26, 10 कीर्ति चक्र एंड 26 शौर्य चक्र. डॉक्टर सी नारायण रेड्डी नेशनल लिटरेरी अवार्ड किसे दिया गया है, तो ये अवार्ड तमिल राइटर शिव शंकरी को दिया गया है, जो कि सरस्वती सम्मान अवार्डी भी रही है. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. मित्र वन इनिशिएटिव को रिसेंटली किसने लॉन्च किया है, जो कि एक ट्री प्लांटेशन ड्राइव है, आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इस कैंपेन को लॉन्च किया हुआ है. बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड फॉर 2024 किसे दिया गया है, तो महाराष्ट्र राज्य को, महाराष्ट्र को यह अवार्ड दिया जा रहा है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है. नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट परी पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया, इस प्रोजेक्ट को रिसेंटली किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, ब्यूटिफिकेशन ऑफ दिल्ली, दिल्ली को सौंदर्यीकरण करने के लिए, आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर. नेक्स्ट है, एशियन बिलियार्ड चैंपियनशिप 2024 जो कि रियाद में हुई थी, इस चैंपियनशिप को किसने जीता है, तो ध्रुव सितवाला ने जीता है और इन्होंने पंकज आडवाणी को डिफीट करने का काम किया था. एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे. इन जुलाई 2024 द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड इशूड अ क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर मेकिंग द ISI मार्क मैंडेटरी फॉर दीज ब्लैंक एंड ब्लैंक किचन यूटेंसिल्स टू इन्हांस कंज्यूमर सेफ्टी एंड द प्रोडक्ट क्वालिटी. तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे DPIIT ने कौन से ऐसे प्रोडक्ट है जिसके लिए ISI मार्किंग कंपल्सरी कर दी है. 4 ऑप्शन है, बस आप मुझे कमेंट सेक्शन में सही आंसर बताइएगा. तो मैंने 2 क्वेश्चन आज आपसे पूछे हैं, दोनों क्वेश्चन के आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए हैं. ओके है जी. सो आज के लिए इतना ही, आज की न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है. अगर आपके कोई भी फ्रेंड 1 डे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उनके साथ इस लिंक को शेयर कर सकते हैं, जिससे वो भी हमारे साथ हिस्ट्री की क्लासेस और करंट अफेयर्स की क्लासेस में जुड़ सकते हैं. पहली बार आ रहे हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके. ओके है जी. सो टाटा, बाय बाय, टेक केयर.